कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में कोरोना वॉरियर्स सच में भगवान का स्वरूप बनकर ही सामने आए हैं। लेकिन ये जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह सच में उसको साबित भी कर देती है। 1 जनवरी 2017 में अहमदाबाद में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें जावरा के शहरी वीईई के पद पर पदस्थ दिनेश उपाध्याय का एक फेफड़ा निकाल दिया गया था। उन्हें उस वक्त संक्रमण था, लेकिन आज कोरोना काल में वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिनेश उपाध्याय अपने एक फेफड़े के साथ पिछले एक वर्ष से कोरोना महामारी के बीच में सुबह 7 बजे से लेकर देर शाम तक यहाँ अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और यहाँ कई लोगों के उन्होंने उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उपाध्याय ने अब तक करीब 55,000 लोगों की स्क्रीनिंग करने का काम भी किया है। दिनेश उपाध्याय अच्छा खासा नाम क्षेत्र में बन चुके हैं और उनके जज्बे को सभी लोग सलाम भी कर रहे हैं। शहर के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने का काम वह करते हैं। अब तक 55,000 से ज़्यादा लोगों की वह थर्मल स्क्रीनिंग कर चुके हैं और जबकि वह खुद भी एक बीमारी से ग्रसित थे, एक फेफड़ा उनका निकाल दिया गया था। उपाध्याय जी, किस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं? मैं जावरा तहसील में 3 साल से सेवा दे रहा हूँ और जनवरी 20 से मैं COVID-19 में सेवा दे रहा हूँ और मैंने 50 से 60 हज़ार लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर चुका हूँ मैं, और आज भी मैं 400-500 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करके आया हूँ। लगातार आप तो सेवाएं देते हैं, कितने बजे उठ करके? सुबह में 7:30 बजे से शाम के 9 बजे तक सेवा देते हैं। कब हुआ था आपका ऑपरेशन? 2017 में मेरा ये सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में डॉक्टर प्रणव मुखर्जी मोदी जी द्वारा मेरा ऑपरेशन किया गया था लंग्स में इन्फेक्शन होने से। उसके बाद में सेवा दे रहा हूँ। क्या क्या करते हैं आप, किस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, साथ में किस तरह के चेक करते हैं? मैं जो कोविड के सस्पेक्टेड मरीज की भी वो उनको वो तनिक जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है उनको मैं जावरा सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर करता हूँ और थर्मल स्क्रीनिंग करता हूँ। थर्मल स्क्रीनिंग से भी और पल्स ऑक्सीमीटर से भी उनका ये चेक करके और उनको फिर मैं जावरा। किस तरह से जज्बा आपका शहर के प्रति? मेरा जावरा शहर स्वस्थ रहे और अच्छी से अच्छी सेवाएं दूँ मैं उनको, और जो है मतलब जावरा की जो भी जनता है उनकी दुख दर्द को समझ कर उनके दुख को दर्द को ठीक कर सकूँ। कोरोना महामारी चरम पे है, ऐसे मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश के लोगों को? देश के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि 18 वर्ष से जितने भी आप युवा वर्ग है, जो भी 18 से ज़्यादा उम्र के हैं, आप टीके लगवाएं और टीके लगवाने से आपके शरीर में इम्यूनिटी बनेगी, उससे कोरोना से लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी और आप स्वस्थ होंगे। आपके पति दिन रात मेहनत करते हैं, स्वास्थ्य विभाग में हैं, कोरोना महामारी में हैं, किस तरह से आप इनको देखते हैं? मुझे अच्छा लगता है ये काम करते हैं और विदेश के प्रति करते हैं काम, और सुबह से शाम तक काफ़ी मेहनत करते हैं। तो क्या मानते हैं आप कि देश हित में काम कर रहे हैं, इसको क्या मानते हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है ये जब काम करते हैं कि दूसरों के प्रति इतनी भावनाएं रखते हैं, अच्छे होने की, मैं भगवान से मैं कामना करती हूँ कि स्वस्थ रहे, सारा देश भी स्वस्थ रहे। किस तरह का गर्व होता है आपको जब इनकी ऐसी बात सामने आती है जनता के अंदर, इनका होता है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में जावरा शहर में काम कर रहे हैं, कितनी खुशी होती है आप लोगों को? हमें बहुत खुशी होती है ये इस चीज़ की कि जब कोई दूसरा हमसे ये बोलता है कि उपाध्याय जी ने मतलब आज ये काम करा, स्वस्थ दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो बहुत खुशी होती है।